जी, अब हम इसकी लास्ट स्टेज और स्टेज नंबर 8 देखेंगे, जिसको मेच्योरिटी या ओल्ड एज स्टेज भी बोला जाता है। इसकी जो एज होती है वो होती है 55 टू डेथ। कुछ बुक्स पे 65 टू डेथ भी लिखा हुआ है, तो वो मैंने पहले भी बताया कि जिस तरह से आपकी बुक बताया आप उस तरह कर लीजिए। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर होता है ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ये दो चीज़ें होती है, या तो ईगो इंटेग्रिटी यहाँ पर हासिल कर लेता है या फिर डिस्पेयर। रिलेशनशिप ह्यूमन काइंड और माई काइंड, ये रिलेशनशिप होगा इस जगह पर। और स्ट्रेंथ क्या होगा, विजडम, यहाँ पर अगर वो ईगो इंटेग्रिटी हासिल कर लेता है तो वो विजडम डेवलप करेगा। की इवेंट क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, वो अपनी लाइफ को देखता है, सारी ऑब्जर्व करता है चीज़ों को। इसको देख लेते हैं, ईगो इंटेग्रिटी डिस्पेयर बेसिकली क्या है, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। ईगो इंटेग्रिटी बेसिकली फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, ईगो इंटेग्रिटी यहाँ पर क्या होगी, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी कि वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो जाएगा अगर वो ईगो इंटेग्रिटी गेन करता है। डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब होता है होपलेसनेस, तकरीबन होपलेसनेस ही है इसका एग्जाम्पल, इसका मीनिंग, वो मायूसी का शिकार हो जाता है अगर वो डिस्पेयर की तरफ जाता है तो। ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज ऑफ द साइको सोशल डेवलपमेंट, मेच्योरिटी एंड ओल्ड एज, वी आर कन्फ्रंटेड विद द चॉइस बिटवीन ईगो इंटेग्रिटी एंड डिस्पेयर। वो कहता है कि इस एज में या तो हम ईगो इंटेग्रिटी गेन करेंगे या फिर डिस्पेयर। दीज एटीट्यूड्स गवर्न द वे वी इवेल्युएट आवर होल लाइफ। हम वो कहता है कि ये जो एटीट्यूड है ना, ईगो इंटेग्रिटी या डिस्पेयर, ये किससे हासिल होगा, ये होगा हमें इवेल्युएट करने से, क्या आवर होल लाइफ, अपनी पूरी लाइफ को, हम अपने पूरे पास्ट को देखते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं, इसी पे डिपेंड करेगा ईगो इंटेग्रिटी और डिसअपेयर। आवर मेजर इंडेवियर आर एट आर नियरिंग कम्प्लीशन, वो कहता है कि हमारी जो ज़िंदगी का जो एक सर्कल होता है ना, एक गोल होता है, जो हमारी पूरी ज़िंदगी की जो स्ट्रगल होती है, जो स्ट्रगल का पीरियड होता है, वो यहाँ पर कंप्लीट होने के, या कंप्लीट हो चुका होता है या कंप्लीट होने के करीब होता है यहाँ पर आके, चूँकि पूरी लाइफ को उसने आके ऑब्जर्व करना होता है, तो उस हवाले से ये बात कर रहा होता है। यहाँ पर आकर या तो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे अपनी लाइफ से कि मैंने अपना रोल प्ले कर दिया है, या फिर हम मायूस हो जाएंगे कि यार मैं अपना रोल प्ले नहीं कर सका। वो एग्जामिन एंड रिफ्लेक्ट ऑन आवर लाइफ टेकिंग इट्स फाइनल मेजर, वो कहता है कि हम अपनी पूरी लाइफ को एग्जामिन करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं, टेकिंग इट्स फाइनल मेजर, वो इसको मेजर करते हैं, फाइनली इसको मेजर करते हैं कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। इफ वी लुक बैक विद द सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड सेटिस्फेक्शन, बिलीविंग वी हैव कॉप्ड विद द लाइफ विक्ट्रीज एंड फेलियर्स, देन वी आर सैड टू पोजेस ईगो इंटेग्रिटी। वो कहता है कि अगर हम अपनी लाइफ को, अपने पास्ट को देखें, तो हमें अगर हमें फुलफिलमेंट और सेटिस्फेक्शन हासिल हो जाए इस चीज़ से कि हमने कॉप किया था अपनी तमाम विक्ट्रीज और फेलियर्स को, अपनी ज़िंदगी में मैंने अच्छे तरीके से इसको फेस किया और अपनी लाइफ अच्छे तरीके से गुजारी है, देन वी आर सैड टू पोजेस ईगो इंटेग्रिटी, फिर वो पोजेस कर लेगा, ईगो इंटेग्रिटी डेवलप कर लेगा। अगर उसको वो फुलफिल होता है और सेटिस्फाई हो जाता है अपनी लाइफ से, अपने पास से, तो ईगो इंटेग्रिटी हासिल करेगा। सिंपली स्टेटेड, ईगो इंटेग्रिटी क्या है, इन्वॉल्व्स एक्सेप्टिंग वंस प्लेस एंड वंस लाइफ, सॉरी वंस पास्ट, किसी शख्स की जगह और उसके पास्ट को कबूल कर लेना, बेसिकली इसमें इन्वॉल्व होती है आपकी ईगो इंटेग्रिटी। अगर तो आप अपने पास्ट को और अपनी प्लेस को, जहाँ पर आप मौजूद हो, उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, तो फिर आप डेवलप कर जाओगे ईगो इंटेग्रिटी। इफ वी सी आवर लिव्स एज अनप्रोडक्टिव, अगर हम अपने पास्ट को देखते हैं, अपनी ज़िंदगी को देखते हैं कि अनप्रोडक्टिव है, और गिल्टी फील करते हैं अपनी लाइफ को लेके, अपने पास्ट को लेके, और फील वी डिड नॉट अकम्प्लिश आवर गोल्स, और आप अगर ये फील करते हो कि मैं अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाया, वी बिकम डिससेटिस्फाइड विद आवर लाइफ, हम अपनी लाइफ से डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, देन वी डिवेलप डिस्पेयर। अगर आप अपने पास्ट को देखते हो और आपको लगता है, फील होता है कि यार मैं अपना रोल सही से प्ले नहीं कर पाया, ज़िंदगी मैंने जिस तरह गुजारनी चाहिए थी, या जो अपना रोल प्ले करना चाहिए था सोसाइटी के अंदर, वो मैं नहीं कर पाया, तो फिर डिस्पेयर की तरफ वो चला जाएगा, विच लीड्स टू डिप्रेशन एंड होपलेसनेस, जो कि डिप्रेशन और होपलेसनेस को कॉज करेगी, फिर वो डिप्रेशन में चला जाएगा और होपलेसनेस की तरफ चला जाएगा। वो कहता है वी बिकम डिसगस्ट विद आवर सेल्फ, हम अपने आप से बेजार हो जाते हैं इस वजह से, अगर हम डिप्रेशन और होपलेसनेस की वजह की तरफ चले जाएं, यानी कि डिसअपेयर डेवलप कर लें, तो हम अपने आप से बेजार हो जाएंगे, इंसल्टिंग अदर्स, और दूसरों की इंसल्ट करेंगे, दूसरों को हकारत से देखेंगे, मतलब इस तरह का हमारा रवैया हो जाएगा। एंड बिटर ओवर व्हाट माइट हैव बीन, और जो हो सकता है उस पर हम तल्ख हो जाते हैं।
या तो हम खुद से बेजार हो जाएंगे, दूसरों को इंसल्ट करना शुरू कर देंगे और तलख लहजा अपनाना शुरू कर देंगे, तलख होना शुरू हो जाएंगे। याद रखिएगा, अगर इस तरह का कोई आपको एटीट्यूड नज़र आता है किसी ओल्ड में, ओल्ड मैन में या ओल्ड वुमेन में, तो समझ लें कि उसको इस चीज़ की, इस स्टेज पर उसको प्रॉब्लम है। वो ईगो इंटेग्रिटी गेन नहीं कर पाया, डेवलप नहीं कर पाया, बल्कि वो डिस्पेयर की तरफ है। अगर वो डिप्रेशन में है या फिर होपलेसनेस में है, तो वो इन चीज़ों को डिस्पेयर की तरफ चला गया है और ईगो इंटेग्रिटी वो डेवलप नहीं कर पाया। याद रखिएगा, ये जो स्टेजेस हमने बयान की हैं, अब आपको पता है कि अगर बूढ़े एक ओल्ड एज में डिप्रेशन की तरफ जाएगा, तो डिप्रेशन की वजह से बहुत सी चीज़ें कॉज कर रही होती है, मतलब डिफरेंट एटीट्यूड्स वो शो कर रहा होगा डिप्रेशन की वजह से, होपलेसनेस की वजह से वो डिप्रेशन, वो चिड़चिड़ापन, वो गुस्सा भी शो कर रहा होगा, वो चिड़चिड़ापन भी, वो दूर दूर रहना भी और तलख लहजे में बात करना भी शो कर रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें हमें एक पॉइंट पर लेके आ जाएंगी कि वो डिस्पेयर में गया हुआ है। तो ये समझना हमने खुद चीज़ों को लेके। उसके बाद यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसने बताया है एरिक्सन ने, एज वी ओल्डर, एज एन ओल्डर पर्सन हिमसेल्फ, उन्हें जब वो खुद बूढ़ा था, उसने एक चीज़ देखी। एरिक्सन सैड दैट जनरेटिविटी वॉज इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन ही हैड थॉट वैन ही वॉज फर्स्ट डिवेलपिंग हिज थ्यूरी। वो कहता है कि जब उसने थ्यूरी डिवेलप की अपनी, तो उसने ये देखा कि ये जो जनरेटिविटी है ना, जो पिछली स्टेज पर गेन करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिहाज से देखते हैं? मच ऑफ द डिस्पेयर इज इन फैक्ट अ कंटिन्यूइंग सेंस ऑफ स्टैग्नेशन। वो कहता है ये जो डिस्पेयर उसको डेवलप करता है ना, कोई भी ओल्ड एज में जाके डिस्पेयर जो डेवलप करता है, वो बेसिकली किसकी वजह से होता है? स्टैग्नेशन की वजह से। अगर वो पीछे से स्टैग्नेशन में चला आ रहा है, तो वो लाजमी तौर पर, वो कहता है, कॉज कर सकती है डिस्पेयर को ये स्टैग्नेशन। तो इसका मतलब है कि जो पिछली स्टेज थी जनरेटिविटी वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ी अहमियत रखती है इस स्टेज को कंप्लीट करने में, इस स्टेज पर डिस्पेयर या ईगो इंटेग्रिटी डेवलप करने में। ये था एक इस स्टेज का इंपॉर्टेंट पॉइंट। जनरेटिविटी डेवलप्ड इन द सेवंथ स्टेज ऑफ लाइफ, ये सेवंथ स्टेज में डेवलप होती है, जैसे हमने पीछे पढ़ा, मे बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू ईगो इंटेग्रिटी। वो कहता है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है जो डिवेलप करवा सकता है ईगो इंटेग्रिटी या डिस्पेयर इन द एट्थ एंड फाइनल स्टेज। एट्थ स्टेज में द बेसिक स्ट्रेंथ एसोसिएटेड विद दिस फाइनल डेवलपमेंटल स्टेज इज विजडम। अगर तो वो पॉजिटिवली इसको डेवलप कर लेता है, यानी कि ईगो इंटेग्रिटी डेवलप कर लेता है, सेटिस्फाई हो जाता है अपनी लाइफ से, तो वो फिर क्या डेवलप करेगा? विजडम डेवलप करेगा, यानी कि एक फहम डेवलप कर लेगा ज़िंदगी के बारे में और दुनिया के बारे में, और फिर इसको नेक्स्ट जनरेशन में उसको डिलीवर करना शुरू कर देगा। अगर वो नहीं कर पाएगा, तो फिर वो डिप्रेशन और होपलेसनेस की जानब चला जाएगा। तो ये थी जी लास्ट स्टेज, जिसकी पीछे हमने सेवन स्टेजेस पढ़ ली और डीपली पढ़ी हैं। मुझे पता है कि ये हमने थोड़ा सा इसको लेंथी कर दिया, लेकिन ये डेटा, इसके अंदर चीज़ें इतनी ज़्यादा थी, और मैंने इस वजह से इसको लेंथी किया है कि अगर आप लोग नोट्स भी बनाना चाहें, तो आपके सामने डेटा मौजूद हो, कंटेंट मौजूद हो, ये अथेंटिक डेटा है। आप इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हो पेपर के अंदर, या इसके नोट्स भी बना सकते हो, इसलिए मैंने लिख दिया। अदरवाइज़ मैं 2-3 लाइनें लिख के भी इसको बयान कर सकता था। तो ये थी जी इसकी लास्ट स्टेज, और इनके जो 8 स्टेजेस की जो समरी है, वो आगे मैं आपको बता देता हूँ। ये है जी, ये जो 8 स्टेजेस हमने पढ़ी हैं, इनकी, इन सब की ये समरी, ये सारी चीज़ें अगर आप शॉर्ट में देखना चाहें और इनको रिवाइज़ करना चाहें, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। एज वगैरह भी, हर चीज़ भी यहाँ पर, एज देख लें, वो 22, 44, 45 टू, मैं इस जगह पर मैंने एज दूसरी तरह से दे दी है, जैसे गूगल पे दी गई है और कुछ बुक्स पे दी गई है, तो जिस तरह से आप मर्ज़ी इसको कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा एरिक्सन की थ्योरी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी इन द साइकोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थ्योरी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई है, तो काइंडली मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो फिर उसका भी आंसर किया जा सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी, ये थ्योरी अच्छी लगी है और ये कोशिश अच्छी लगी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।